नमस्कार दोस्तों, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रेलवे NTPC लेवल 1, RRB ग्रुप डी, RRB JEE, SSC CSSL, SSC MTS से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस टेस्ट 15 लेकर आए हैं। दोस्तों इस टेस्ट के अंदर हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आप अपने एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। दोस्तों भारत के निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसी एक में राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई सबसे कम है। भारत के निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसी एक में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे कम है। तो दोस्तों किस में सबसे कम है, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तेजस निम्नलिखित में से क्या है, तेजस निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लघु युद्धक वायुयान। तेजस एक लघु युद्धक वायुयान है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तेजस एक लघु युद्धक विमान होता, वायुयान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से देखना। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, वर्ष 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों कौन थे, अब इसी आंसर कौन सा हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा मॉरल हाई होता है, आपका इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, लाइक देना अच्छे से देना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ हुई थी, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी दोस्तों, कहाँ पर हुई थी, श्रीलंका में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें और आपको वीडियो कैसी लगी इसका भी आंसर दें। दोस्तों अगर आज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पवन कुमार चामलिंग किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पवन कुमार चामलिंग किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों किसके हैं, सिक्किम के, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वयं पोर्टल का संबंध किस केंद्रीय मंत्रालय से है, स्वयं पोर्टल का संबंध किस केंद्रीय मंत्रालय से है। दोस्तों किससे है, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मानव संसाधन विकास, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं पोर्टल्स का संबंध मानव संसाधन विकास से है। नेक्स्ट देखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कहाँ पर किया गया था, लुम्बिनी में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। दोस्तों किसको करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, माउंट एटना क्या है, माउंट एटना क्या है। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या है माउंट एटना, ज्वालामुखी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है, कौन बनी है दोस्तों, शुभांगी स्वरूप, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शुभांगी स्वरूप बनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है, पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर का जन्म
किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, जांत्रिक, जांत्रिक में हुआ था दोस्तों महावीर का जन्म। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? हर्षवर्धन को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, क्या था दोस्तों? क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? मणिकर्णिका। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम, मूल नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपकी परीक्षा के लिए, अच्छे से देखना। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, कौन थे दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे दोस्तों आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1998 में, 1998 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में किसी दल द्वारा विपक्षी दल का दावा करने के लिए न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में आवश्यक हैं, कितने आवश्यक हैं दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 55, 55 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में किसी दल का द्वारा विपक्षी दल का दावा करने के लिए न्यूनतम 55 सांसद लोकसभा में आवश्यक हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 45। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति में 45 सदस्य अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, कितने हैं दोस्तों? कितना हो जाएगा आंसर? 7। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबी हटाओ रखा गया था दोस्तों? किसका रखा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर रखा गया था दोस्तों गरीबी हटाओ। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था, कब पारित किया गया था दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1976, 1976 में रखा गया था दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाइफ हाई में इंटरनेट सिग्नल को भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लाइफ हाई में इंटरनेट सिग्नल को भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? LED। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लाइफ हाई में इंटरनेट सिग्नल को भेजने के लिए LED का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुसुम स्कीम का संबंध किससे है? कुसुम स्कीम का संबंध किससे है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पोलो। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इसका दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जस्ता। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट की एक गेंद का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए
किया जाता है, किसे घटाने के लिए किया जाता है दोस्तों, या फिर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, भंवर धारा हानि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु में स्रोत और प्रवर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 17.2 मीटर। वायु में स्रोत और प्रवर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होने चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आयोडीन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्लेटिनम, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है दोस्तों, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सेलुलोज की ऑक्सीकरण से, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते, किसमें नहीं होते दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नारियल का तेल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है दोस्तों, किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बोस इंडिक्स किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है, बोस इंडिक्स किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, किसका है, गाय का, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 सितंबर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष की उड़ान में कौन सी यात्री मारा गया था, कौन सा यात्री मारा गया था दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अंतरिक्ष की उड़ान में कौन सा यात्री मारा गया था, यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, व्लादिमीर कोमरोव, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, किससे है, स्वास्थ्य से, एबीसी इंडेक्स स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को तो उसका भी कमेंट में जवाब दें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।